hello good morning all of you you are watching cds guide lesson and uh, how are you today i hope you will be fine and uh, in this video i took some interesting static gk and uh, <coughs> indian constitution and so watch the video till the end definitely it is going to help you so friends without any further let's start the video काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और मिलते हैं आ, आगे आ, वीडियो में बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना उसकी प्रक्रिया क्या थी ये सारी चीज़ हम लोग इस आ, छोटे रिवी, छोटे से रिवीजन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिकॉज एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि इसको हम लोग को कैसे थी बनाना है सो सो so, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनने की प्रक्रिया कब शुरू हुई सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग को Uh, 1946 में जब कैबिनेट मिशन जब आया तो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब कैबिनेट मिशन जब आया उस समय जब आया तो उसमें देखेंगे कि उसमें वाइसराय कौन थे सबसे बड़ी पहली चीज़ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव व्यू से क्वेश्चन बनता है कि उसमें वाइसराय कौन थे तो वाइसराय थे लॉर्ड वेबेल लॉर्ड वेवेल ने जैसे कैबिनेट मिशन नाइन्टी फोर्ट फोटी सिक्स इंडिया में आया तो उसने सबसे पहले तीन लोगों को कमेटी गठन किए गए जो ब्रिटिश रूल के ब्रिटिश रूल के थे उन्हें नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे जिसका नाम दिए हैं एस पी एस एस स्टैंड फॉर स्टेफोर्ड क्रीप्स एंड पी स्टैंड फॉर पैट्रेटिक लॉरेंस एंड ए फॉर एवी अलेक्जेंडर एंड थ्री पीपल यू हैव टू सेक्रेटरी ऑफ दिस कैबिनेट मिशन 1946 ये सारे ब्रिटिश थे अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म हुआ वो 1946 में जो नवंबर 1946 में जो फॉर्म हुआ उसको हम लोग देखेंगे कि उसका रीजन क्या था टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक ही उद्देश्य था कि हम लोग को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है फॉर्मेट तैयार करना है तो जब दिसंबर 1946 में जब आया कैम इन इंडिया जब वीलिए पारित हो गया ब्रिटिश कैबिनेट में तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड थी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई वो हेल्ड हुई है कम नाइन नाइन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स में जो सचिनंद सिन्हा उस समय क्या क्या था इंटेरियम इंटेरियम विच मीन्स कि मतलब जो होता है ना कि संविधान सभा के जो मतलब आज था इंटेरियम यानी थी अध्यक्ष के रूप में उसको चुना गया नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट मीटिंग तुरंत 11 दिसंबर 1946 के रूप में हुई जिसका प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई